राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड आप सीरीज के साथ ग्रो कर रहे होंगे, बिकॉज अभी बहुत अच्छा आइडिया लग गया हम लोग का हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड रिकर्शन क्वेश्चन टू अ 2DDP एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने फॉलो किया, एक मेकअप 1D और 2DDP एज रिक्वायर्ड एंड बेस थ्रू बेस कॉल में खुद के दिमाग से इनिशियलाइज कर दो एंड जस्ट फॉलो द फॉर्मल यूज फॉर रिकर्शन टू फिगर द सेल्स, आपको फेयर आइडिया मिल चुका होगा स्टेप टू। आज से क्वेश्चन थोड़ा अलग क्यों है, अलग इन द सेंस कि जो हम स्टैंडर्ड अब तक कर रहे थे वैसा नहीं करेंगे, डीपी थोड़ा डिफरेंट वे में लगाने वाले, टेबुलर डीपी इन डिफरेंट मैनर। देखते क्वेश्चन देखते, हालांकि क्वेश्चन इजी है, रिकर्शन आराम से बन जाता है इसका, बट डीपी में कन्वर्ट इतना इजीली नहीं होता ये। सो दिस इज नंबर ऑफ यूनिक पाथ, इसको अपने एक बार मैथ्स में कवर किए थे, एक बार रिकर्शन में कवर कर चुके हैं, हाँ अभी हम लोग इसको इधर करने वाले हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है शुभ, लेट्स या एंड ये वीडियो शुभ, अगर ये वाला किसको समझ में नहीं आ रहा ये पार्ट, तो यू कैन वॉच द वीडियो, ऊपर आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ के इधर आना। ओके तो शुभ एक बार मैं कोई क्वेश्चन बता देता हूँ बस रफ्ती क्या है शुभ, जैसे इधर आपको शुभ 2x2 चल दिया राइट, एक आपको 2x2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, ए इंटू बी मैट्रिक्स बेसिकली, इधर 2x2 का एंड आप इधर हो शुभ, ठीक है, आपको आना है इधर पे, तो कितने तरीके से आप आ सकते हो एंड बाय कॉमन सेंस शुभ, इधर आप ऐसे आ सकते हो या ऐसे आ सकते हो, आप सिर्फ शुभ राइट या डाउन नहीं जा सकते हो, टॉप और लेफ्ट नहीं जा सकते, राइट या डाउन, तो एक तरीका ये हो गया राइट डाउन डाउन राइट, और कोई तरीका नहीं है, तो दो तरीका हो, क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल है एंड हम लोग बहुत कवर किए, प्लीज वॉच द वीडियो गाइस, अब ऊपर में आ रहा होगा राइट साइड। ओके तो शुभ नाउ वी कन्वर्ट दिस टू डीपी, ठीक है, हालांकि लग रहा होगा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा बट नहीं होगा तो इजी, मेरे को लगता है तो शुभ, तो बताइए आप कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स देता हूँ तो आप कैसे करोगे, क्या बस सिर्फ एक बार मुझे बता दीजिए कि आप एक्स्ट्रा रो बनाओगे, जैसे हर क्वेश्चन करते हैं एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कॉलम, कुछ सेंस बनता है आप एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हो इंडीड एवरी क्वेश्चन? नहीं करण, ये भले ही 2D मैट्रिक्स है हमारे पास पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, एक nth स्टेयर हमने क्वेश्चन किया था ना 2D में, उसे काफी ज्यादा मैच खाता है 1D में, हाँ मतलब nth स्टेयर हमने किया था ना वो 1D डीपी का, उससे ये बहुत ज्यादा मैच खाता है, भले ये 2D मैट्रिक्स है 2D डीपी है पर ये बहुत ज्यादा उस 1D से रिलेवेंट है, मतलब मैच खाता है। गाइस देखो जो अगर, एक बात तो क्लियर है कि जो ऊपर एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बना भी दिए हर क्वेश्चन में बनाते हैं तो इधर इसको क्या असाइन करोगे, मतलब आपको जाना है इधर से यहाँ तक इशू, तो ये तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स से कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ये क्वेश्चन ही डिफरेंट टाइप का, आप ये नहीं कर सकते ऐसे आप हर क्वेश्चन में करते, दिस इज व्हाई आई टोल्ड इट फॉर डिफरेंट है। हाँ शुभ बताइए आप बेस केस क्या करोगे, कैसे करोगे बताइए। और करण अगर हम लोग बेस केस देखें तो राइट हमको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना चाहिए, जैसे अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होता, ठीक है, एक रो एक बार करण बना के देखें, सिर्फ एक ही रो वाला होता, तो इसमें से हमें स्टार्ट वाले सेल से लेके एंड वाले सेल पे जाने का कितना तरीका होता? एक तरीका, राइट? हाँ, अभी गाइस देखो आपको इधर से इधर आना है, रो ही एक है तब क्या करोगे, बस ऐसे से जाते जाओगे क्या? तो एक तरीका। और अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता तो हमारे पास स्टार्ट वाले सेल से जाके बॉटम वाले सेल तक जाने का क्या तरीका होता? अगेन शुभ सीधा पहुंच गया। यस करण, तो ये हमारा बेस रो और बेस कॉलम हो गया हमारा, और अब हम देखें किसी भी सेल पे पहुंचने का तरीका क्या हो सकता है, कि हम उसके लेफ्ट या फिर उसके अप से जा सकते हैं, क्योंकि हम डाउन या राइट जाएंगे ना किसी भी सेल पे, तो हम ये टॉप डाउन नहीं, ये बॉटम अप है, मतलब हम बेस केस से आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी भी सेल पे जाने का हमें क्या तरीका होगा, या तो हम उसके लेफ्ट से जाएंगे या फिर उसके अप से जाएंगे। तो शो बेसिकली ये बोल रहा है कि जिससे अगर आप ये सेल हो तो ये सेल पे आप आए कहाँ से हो, या तो यहाँ से आए होगे या तो यहाँ से आए होगे, और तो कहीं से नहीं आ सकते क्योंकि आपका अलाउड ही मोमेंट, आप ये बोल रहे हो राइट? हाँ ठीक है, तो nth स्टेयर वाले में जैसे हम लोग करते थे nth स्टेयर पे जाने का तरीका है n-1th स्टेयर पे जाने का जितना तरीका है प्लस n-2th स्टेयर पे जाने का जितना तरीका है, इसमें भी बस इसके ऊपर वाले रो पे जाने का जितना तरीका है प्लस इसके पीछे वाले कॉलम में जितना जाने का तरीका है, उन दोनों को अगर अपन ऐड अप कर देंगे तो इस सेल में जाने का तरीका हम लोग को मिल जाएगा, और बेस रो और बेस कॉलम हमने डिसाइड कर लिया कि कैसे हम लोग फिल करेंगे। गाइस आपको याद होगा अगर मतलब रिकर्शन में हम लोग डिस्कस किए थे, हम क्या कहते हैं सीखे थे कि अगर आप इधर हो तो आपको जाना इधर आना है, आपको तो आप इधर से यहाँ जा सकते हो या यहाँ जा सकते हो, तो इधर से इधर जाके जितना पहुंचने का रास्ता है प्लस यहाँ से जाके जितना रास्ता है यू आर एडिंग अप एंड दैट्स वाज द आंसर, तो ये डीपी है, तो इसमें ऐसे ही करोगे आप, यहाँ पे हो तो यहाँ से आए होगे या यहाँ से आए होगे, तो दोनों से ऐड कर देना।
लेट टिश्यू पेपर इसको ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई मेड अ 4x4 डीप इशू, तो बताइए आप हो इधर, आपको आना है इधर, अब इधर से आपको इधर आना है, तो कैसे आप बेस इनिशियलाइज करोगे फर्स्ट स्टार्टिंग से बताइए। बेस केस तो करंट कांस्टेंट ही रहेगा, हां, कि अगर हमारे पास सिर्फ एक एक रो है या एक कॉलम है तो उसका 1 1 1 भर देंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 1 1 1 1 दिस इज द बेस केस। और फिर बॉटम से मतलब जो पहला सेल हमें आ रहा है कौन सा है आपका सुविधा, ये 2x2 वाले सेल से हम चालू करेंगे, राइट। और फिर यहाँ से अब हम जाने का तरीका एडप्ट करते चलेंगे, यहाँ पर जाने का तरीका क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट वाले से हम जा सकते हैं या इसके अप वाले से हम जा सकते हैं, तो दो तरीका दोनों को एडप्ट कर देंगे। टू अगेन इधर आने का तरीका कितना है, 1+2 3, इधर आने का तरीका क्या है, 1+3 4, इधर 2+1 3+3 6, 4+6 10, 3+1 4 6+4 10 20, मतलब सो शिविशन हर एक सेल क्या डिनोट कर रहे हैं, एवरी सेल लाइक डीपीएफ आईजी डिनोट्स नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ वेज गेट टू दैट सेल टू गेट टू दैट सेल। तो ये सेल आने का कितना तरीका है, फ्रॉम फिक्स है, फ्रॉम 1,1। तो अगर आपको कोई भी पूछा है भाई ठीक है 2,3 का आंसर बताना, फिर 3 आंसर, अभी शुभ हम 3,3 का निकाल रहे थे राइट, इस केस में तो उसका आंसर क्या होगा, इधर से निकल गया 6। तो कोई भी सर पे जाओ तो आपको पता चल जाएगा 1,1,1 से वहां पे आने का तरीका क्या है, नहीं इस क्वेश्चन का और तो कुछ पूछा ही नहीं, सिंपल। तो गाइस बस डिफरेंट इसलिए मैं बोला क्वेश्चन में, बिकॉज इधर थोड़ा इनिशियलाइजेशन डिफरेंट हुआ, क्योंकि हम लोग पहले से क्रो ये कलम एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे हम हर क्वेश्चन में लेते हैं एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कलम, वो लेना नहीं पड़ा एंड सिंपली एक से हो गया, इस वजह से बेस रो एंड बेस कॉलम एंड ये आपका सिंपल रिलेशनशिप क्या है, डीपीएफ आई जे इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे प्लस डीपी ऑफ आई कमा जे माइनस 1 राइट। रिकर्शन रिलेशन में कॉल होता है, इसे कोड आप आराम से कर सकते हो। अब गाइस इधर मैं आपको दूसरा अप्रोच बताना चाहता हूँ, हर प्लेटफॉर्म में रहता है शुभ, दूसरा अप्रोच में देखते हैं दूसरा अप्रोच क्या है, एक एक तरीका है सोचने का, हालांकि एनी वन इज कम्फर्टेबल, आप किसी को भी ले सकते हो शुभ। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सपोज ये आपका डीपी दिया हुआ है अगेन एंड आप इधर हो, को इधर से इधर आना है ठीक है। अब शुभ बताइए आप अगर आप इधर ही हो, आपको जैसे इसमें शुभ क्या किया था, हर एक सेल था कि नंबर ऑफ वेज टू कम टू दैट सेल, इसमें क्या था नंबर ऑफ वेज टू कम टू दैट सेल, इस सेल माने तो तरीका कितना है, तो दो तरीका इस सेल में पहुंचने का फ्रॉम वन टू वन, इसमें हम क्या ले सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम हियर टू एन कमेंस्टर, तो इधर से इधर आने का तरीका कितना, थोड़ा उल्टा दे रहा हूं मैं अभी, इधर में क्या दे रहा हूं, ये दूसरा तरीका है गाइस, तो आईजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू गो टू डेस्टिनेशन, काइंड ऑफ टॉप डाउन हो जाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहुंचेंगे। हां बहुत वैसे भी करते थे बाय थॉट, इसको बता दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं बेस केस, अगेन इधर आने का आपको इधर आना है, इधर से इधर आना है, तो एक ही तरीका है, आपको इधर आना है इधर से इधर आना है, तो एक ही अप डाउन ही जा सकते हो ना, और तो कहीं नहीं जा सकते, अगेन इधर से एक, तो ये पार्ट बंद हो गया आपको, अगर आप यहाँ पे हो आपको यहाँ पे आना तो एक तरीका है, अगर आप यहाँ पे हो आपको यहाँ पे आना तो एक तरीका, दिस इज क्लियर। अब शुभ आप नाउ इफ यू आर हियर, तो हम लोग को यहाँ पे आना है, तो हम लोग इधर से सेम रिकर्शन जैसे था, या तो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं, कोई जगह ही जा सकते हैं, तो अगर आप यहाँ गए तो एक तरीका यहाँ से 1+1, अगर आप यहाँ पे हो देन दिस 2+1 3, यहाँ पे हो 1+2 3, यहाँ पे हो 3+3 6, तो इसका मतलब आपको जाना था शुभ यहाँ पे कहाँ से जाना था, 1,1 से, तो 1,1 से यहाँ पे जाने का तरीका कितना हो गया 6, तो इट्स हाउ यू डू इट, इट्स अपॉन यू। एंड इधर शुभ वही है, आपको 1,1 से आना था, कहाँ पे आना था 3,3 पे, तो 1,1 से 3,3 आने का तरीका कितना हो गया 6, सो उल्टा फुल्टा है बस, बट दोनों अप्रोच है इक्वली एक्सेप्टेबल, यू मे राइट एनीथिंग जो आपको इच्छा है, मैं कोई भी इशू लिख देता हूँ एंड दोनों में शुभ थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग था, एक हमें ऊपर और लेफ्ट से हेल्प लिए, इसमें हमको डाउन और राइट से हेल्प लिए, फर्स्ट अप्रोच ठीक है पहला यूज करें, तो उसमें से बेस रो क्या हो जाएगा, प्रिंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन बी आई प्लस प्लस डीपी ऑफ 0 आई इज इक्वल टू 1 राइट, एंड बेस कॉलम फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई आई लेस देन ए ना
डीपी ऑफ क्या आई कॉमा जीरो राइट, दिस इज द बेस कॉलम, ये हो गया वन। बाकी शो अपने को क्या करना है ना, ऑपरेंड आई इक्वल टू वन आई लेस देन ए, क्योंकि गाइस हम ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो लेस देन लेना पड़ेगा। ऑपरेंड जे इक्वल टू वन, जे लेस देन बी, जे प्लस प्लस, क्या क्वेश्चन, डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू डीपी ऑफ, इसके लेफ्ट से आएंगे या तो, अगर लेफ्ट से आएंगे तो आई कॉमा जे माइनस वन, या तो शिव ऊपर से आए होंगे वहां, तो डीपी ऑफ आई कॉमा फिर आई माइनस वन कॉमा जे ऊपर से राइट, रो ऊपर कर दोगे आप कॉलम से, यही है कुछ राइट। आइडेंटिफाई रिटर्न करना है, रिटर्न करना है आपको उधर पहुंचने का तरीका क्या है, डीपी ऑफ ए माइनस वन, ए माइनस वन बी माइनस वन राइट, शिव काफी सिंपल कोड था गाइस, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। This is upon the first approach we discussed, right? Answer 2 is 2.2 का। And फिर अपने जो दूसरा approach discuss किए उसके basis से भी guys you can write a code and कोई code देख के उसको pin कर देना comment में, I'll pin it, ठीक है? Yeah, इसे भी accept हो गया। इसलिए देखो तीसरी बार question किया, discuss किया भी ये बात। Yeah, तो I think ये question आपको समझ में आ गया होगा and कोई doubt नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कोई प्लीज वो दूसरा वाला कोड को लिख के कमेंट पिन करो, सिंपल बस छोटा सा वेरिएशन इसमें करना है। या तो ध्यान रखिए अभी क्वेश्चन में एक और वेरिएशन लेकर आएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।